गाइस, वेलकम बैक टू अमित एंड किट्टू जायसवाल यूट्यूब चैनल। तो ये सुबह का टाइम हो गया है, तो आप सबको गुड मॉर्निंग। और यहाँ पे मैंने बेटे का अपने मालिश वालिश कर दिया है, तो यहाँ पे मैंने इसको मालिश करके सुला दिया और ये सो भी गया। बेटू सो गया, वहाँ पे है, वहाँ यहाँ पे इन्होंने दूध वगैरह पिला, मतलब इन्होंने क्या, मैंने दूध पिला दिया और मालिश भी कर दिया, तो सो गए हैं। तो अभी मनीषा गई है नहाने, नहा के आती है, फिर आप लोगों को उससे मिलाते हैं। तो आज उनकी सासू माँ भी आ जाएंगी और बहुत सारे लोग आ जा जाएंगे आज। तो सब का इंतज़ार के पहले से ही, मतलब इंतज़ार सब लोग कर रहे हैं सुबह से कि ट्रेन है ना, बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। ट्रेन के लेट की वजह से ऐसी सारी चीज़ें प्रॉब्लम होती रहती हैं। तो यहाँ पर वंदना दीदी आगे क्या लेकर आई हो, साबुन बाबू मेरा सो गए। यहाँ पे ये वंदना दी गई थी सर्फ और साबुन मांगने, क्योंकि वहाँ पे ना जहाँ पे मनीषा है वहाँ दो रूम है, बहुत छोटा है, मतलब लग रहा है मतलब इतने सारे लोग हैं उसमें, अभी उनकी मम्मी बुआ सब लोग हैं ना, उसी से घर बैठ के भर गया है। तो इस वजह से यहाँ पे बहुत ही आराम है, बहुत ज़्यादा आराम है, पता ही नहीं चला कि यहाँ पे गर्मी है कि नहीं है। तो आप लोग मेरे फेस को देख रहे हो, एकदम थका थका सा लग रहा है, थका थका इसलिए लग रहा है क्योंकि बच्चों का ध्यान, बच्चे का ध्यान रखते रखते और वीडियो भी ध्यान रखते रखते बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ रही, इसलिए थोड़ी सी कमज़ोर लग रही हूँ। पर कोई नहीं, वंदना दी जा रहे हो नहाने? हाँ जा रहे नहाने। जाओ नहा लो, जाओ नहा के आओ, फिर हम चलते हैं नहाने। हम क्या नहाएंगे, एक बार और मालिश करके तब बाबू को जाएंगे नहाने। अभी तो टाइम 10 बजने वाला है और क्या, और हम लोग कब से 6 बजे का के बैठे हैं नीचे ना, इतना टाइम हो गया बैठे बैठे, पता नहीं चलता है टाइम का। बात करो, सही बात है, अपने घर पे रहो तो टाइम टाइम क्योंकि चिंता रहता है, मुझे करना है तो करना है, ये चीज़ होती है। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिए, अभी आप लोगों से कुछ देर में मिलते हैं। ऐसे गेट देखो, बिल्कुल सीरियल में जैसे होते हैं, बिल्कुल ऐसे छोटी लग रही, मोटी ना, मोटी हो गई, टोकी भी है, टोकी चलते हैं। यही चाय बन गया आपके लिए, यार ये हवा तो बड़ा अच्छा चल रहा है। चलते हैं, देखते हैं मनीषा क्या कर रही है। बाबू सो गया है तो मैंने बोला चलो मनीषा से भी मिल के आ जाते हैं, शायद वो नहा चुकी है। चलिए, अच्छा है कि सामने सामने घर है। खाना बनाने के लिए, नाश्ता बनाने के लिए आ गई हैं कुछ लोग। मनीषा नहा ली? मनीषा अच्छा, आप लोग भी नहा ली? गुड मॉर्निंग सब लोग। निकल गई नहीं आने के लिए सासू माँ? स्टेशन आ गई? नहीं अरे सचिन भाई नहा रहे हैं, अच्छा। हम के देखे मनीषा क्या कर रही है। तुम जैसे निकली ना वैसे तुम्हारा तुरंत अपलोड हो गया था वीडियो, अच्छा। हाँ, फिर मैं किसे कैसे कॉल करती, फिर मैंने बोला कि जाने दो, फिर वरना बाबू सो गया क्या? हाँ सो गया, तो फिर हम कह चले मिल के आते हैं सुबह सुबह। चलो गाइस ब्लॉग में बने रहिए। अच्छा हाँ थोड़ा सा काला काला आ रहा है, कब आइएगा तो आइएगा, तोते को देख लीजिएगा, जीभ भर के देख लीजिएगा। की उम्र बहुत ज्यादा हो, हमारी उम्र उसको लग जाए फिर से। तो पति जो गए हैं ना, हम भी बहुत कोशिश करते आते हैं, लेकिन अब एक दो, अब दोनों जगह देखना था। और क्रियान सो रहा है? हाँ बढ़िया है, अच्छा। हैप्पी बर्थडे फिर से बोल दे रहे हैं, वैसे स्टोरी लगा दी है। रात में ही लगा दिए थे। हाँ ठीक है पी लिया मैंने। और जिया कैसी हो? गुड मॉर्निंग, बच्चे की बहुत बहुत जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। अच्छी लग रही हो।
चलो लोगों का स्वागत व्यागत करो जोरों शोर से। हाँ ठीक है, पूजा स्टार्ट हो गया है। देख लिया, ध्यान दो सबका। चलो ठीक है, सब लोग बैठ के बातें कर रहे हैं। अब इनका कचर कचर चलता रहेगा, इनका मुंह तो बंद ही नहीं होगा, हमको पता है ना। तो गाइस, अरे फोन कर दिया सुबह सुबह से, मैंने तो रात में ही विश कर दिया था, स्टोरी वगैरह लगा दिया था, पर एक बार कॉल करके भी बोलना था तो मैंने बोल दिया। और क्रियांश सो रहा है तो हैप्पी बर्थडे क्रियांश, अपने वीडियो के थ्रू ही बोल दे रही हूँ। तो अच्छा लगा बात करके, सब लोगों को देख के अच्छा लगा। तो उनकी मौसी जी के यहाँ 29 तारीख को घर का गृह प्रवेश, अभी आज मनीषा कल मनीषा के घर का है, उनके कह रही है मियाँ बीबी को दोनों को आ रहा है। तो देखते हैं, बगल में ही तो रहती हैं, हो सके तो जाएंगे, नहीं हो सके तो नहीं जाएंगे। वैसे मेरे 26 तारीख को ट्रेन है, हम रहेंगे ही नहीं तो जाएंगे कहाँ से। मेन बात ये है। चलिए गाइस, बाय बाय, अभी कुछ देर में मिलते हैं। तो गाइस, यहाँ से मैं जा रही हूँ, मनीषा के साथ एक वीडियो बनाई हूँ और क्रियांश को विश भी कर दी। क्वालिटी ऐसे ही है ना। हाँ, अरे ये अंधेरा की वजह से ऐसे ही आता है। नहीं, हम दोनों ने साथ में ही क्रियांश का बर्थडे विश किया है, मतलब स्टोरी लगा करके, और बातें भी कर ली तो बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे सब लोग नाश्ता कर रहे हैं, है ना। नाश्ता बन गया ना, कचौड़ी और पूड़ी। सही है, भैया के पास, भैया बड़े आदमी है, टैब चला रहे हैं। यहाँ बोल रहे हैं, मेरे घर आए थे तो जैसे बोली नहीं आ रही थी। चलो मनीषा आते हैं ना। तो गाइस, यहाँ पे देखिए नाश्ता बन रहा है, नाश्ता पानी बन रहा है, बैठ जी बना रही है। तो हम काहे शर्मा रहे, आपसे कल हम मिल पैर आपका आशीर्वाद नहीं लिए थे आप। ये मनीषा के पापा जी हैं, तो कल ऐसे खड़े थे, मैं पहचान नहीं पाई थी, फिर ये हमसे उल्टा नमस्कार ही कर रहे थे। तो चलते हैं, नहा के आते हैं, क्योंकि बाबू भी उठ गया है, तो हम जा रहे हैं नहा के आ रहे हैं। डॉग आ रहा है। तो गाइज, मैंने इनका फिर से मालिश कर दिया, ये उठ गए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इनका मालिश कर देते हैं, और ये सब नहा धो के रेडी हो गया। अब मैं जा रही हूँ नहाने, नहा के आऊँगी, फिर मैं भी कपड़े वगैरह पहनूंगी। और आज क्रियांश का बर्थडे है, तो हम लोगों ने, हमने और मनीषा ने तो रात में ही स्टोरी लगा लिया था बर्थडे को विश करके, क्योंकि काफ़ी देर रात हो गया था। वो जो हमारे घर नहीं आई थी, जिया सासुर आंटी नहीं आई थी, वीडियो में देखे होंगे, जब बाबू पेट में था तब, उन्हीं का बेटा। तो वो हम लोगों ने रात में विश किया, फिर सुबह भी विश किए, तो बहुत ही अच्छा लगा बात करके। पतिदेव पहुंच गए, बोले कि उनके घर से 5 मिनट की दूरी पर स्टेशन है, बहुत ही पास में है, दूर नहीं है। तो गाइस, इन्हीं शब्दों के साथ अपने ब्लॉग को एंड करते हैं। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, कुछ उनसे वीडियो में वीडियो कॉल भी बात की तो आप लोग जरूर देखिएगा। तो चलिए, बाय बाय।